लखनऊ से सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है, ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं, और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर कोरोना से सेकेंड वेव के दौरान जन हानि देखने को मिली, उस दौरान व्यापक पैमाने पे चीजें मीडिया के माध्यम से देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका जो लीगल गार्जियन था उनकी मृत्यु होने के नाते, कोरोना की चपेट में आने के नाते वे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सर्वे कराया था और सर्वे कराने के बाद ये पाया कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4,000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा, लेकिन अन्य बीमारियों से भी, उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी वे बच्चे बच जा रहे थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में, जिसमें 2,500 रुपए उन बच्चों को हम लोग 18 वर्ष तक उनके भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध कराते हैं, और समय समय पर महंगाई बढ़ने के साथ वह राशि भी बढ़ती जाएगी। इस विश्वास के साथ यह प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कराई। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज प्रदेश भर में चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की तर्ज पर आज इन भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार की अनेक अन्य योजनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और खास तौर पर इस क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन कराया गया है। लगता है वहां पे इन बच्चों को अच्छे ढंग से देखभाल की जा रही है, इसलिए उन बच्चों के मन में पढ़ने का एक जज्बा भी है। आंगनवाड़ी भी वहां स्थापित हो, आंगनवाड़ी के माध्यम से भी हम 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आगे बढ़ने, और उनको कुपोषित जो बच्चे हैं उनको शासन की योजना से जोड़ करके उन्हें उपयुक्त मात्रा में, कुपोषित माताओं को, बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवा करके उनके जीवन को अभी से हम सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं, 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों और उन बच्चों के लिए हैं जो अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं। पहली से लेकर 12वीं तक उन बच्चों की निशुल्क पढ़ाई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम उन विद्यालयों को चला रहे हैं, आवासीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को संचालन इसी सत्र में हम लोग करने जा रहे हैं, और वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं, रहने की, खाने की, पढ़ाई की सारी सुविधा प्रदेश सरकार वहन करेगी, और उन बच्चों को उत्तम यानी क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं वह उन विद्यालयों में प्रदान करने का कार्य होगा। इस सत्र में 18 विद्यालय हम चला रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगले 1-2 वर्षों में हम प्रदेश के हर जनपद में एक विद्यालय और फिर उसके बाद प्रत्येक विकास खंड में एक एक विद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। समस्या सरकार की योजनाओं में नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह, देखिए कहावत है, जहां चाह वहां राह। यहां पर जो महिलाएं बैठी हैं, मैं देख रहा था उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि शासन की योजनाएं
यानी उनको या तो जानकारी नहीं है या हम जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं झांसी की। झांसी में ऐसी कुछ महिलाएं आई थी जिन्होंने एक बार मेरे सामने इस बात को कहा था कि हमारे पास, हमें कुछ कार्य चाहिए, कार्य करने के लिए कुछ नहीं है।